मैं जादम सर पूछना चाहूंगा, क्या क्या हुआ एकदम से 8 बजे सब जब सोने जा रहे थे खाना खा के, एकदम से क्यों अपन सब इकट्ठा हुए हैं? क्योंकि एक्चुअली रिजल्ट जो गवर्नमेंट डिसाइड किया था, जी उम्मीद नहीं थी हमें, उम्मीद थी कल सुबह हम तैयार रहेंगे इसके लिए, बट जी सडनली इन्होंने सरप्राइज किया है। और ये चाहते थे कि हम आराम से सोए, जो इतने दिन से हम प्रॉपर सो नहीं पा रहे थे, अब सही आने वाले कम 10-15 दिन आराम से सोएंगे हम सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसी कड़ी में मैं बताना चाहूंगा आपको, चाहे बिफोर कोविड या आफ्टर कोविड ले लो, कोविड से पहले अभिषेक बिश्नोई, उसके बाद रूपाली, और उसके बाद कोविड में भी हम नहीं रुके थे, उसके बाद लास्ट ईयर सुनील नायक ने मेड़ता को टॉप किया। और अभी मैं डायरेक्ट नाम नहीं बताऊंगा, थोड़ा बताना चाहूंगा, लेकिन बता देता हूं, 11 बच्चों ने 90 क्रॉस किया है, जोरदार तालियां। 11 11 बच्चे 90 क्रॉस हुए हैं, और बाकी अभी निकाल रहे, टीम बैठी है, पूरी लिस्ट है मेरे पास, 2 लिस्ट आ चुकी है, तो टॉपर्स का रिजल्ट सामने आ चुका है। तो इसी कड़ी में मैं मिलाना चाहूंगा सर, आपको। एक बार पहले जयकार हो जाए सर, एक बार जरूर जरूर जरूर, भगवान का आशीर्वाद दे, और अभिभावकों का साथ ही तो है जो इतना ऊपर लेके जा रहा है अपने को। चतुर्भुजनाथ महाराज की जय, मीराबाई की जय, सालासर बालाजी की जय, खाटू नरेश की जय। और जैसा हम कहते हैं, हर भारतीय जवान की जय हो, हर भारतीय किसान की जय हो, और हर भारतीय शिक्षक की जय हो। तो इसी कड़ी में आज के हमारे टॉपर, जिसने मेड़ता इंग्लिश मीडियम को टॉप किया है, ऋतिक नेहरा हमारे बीच में। ऋतिक आइए, ऋतिक नेहरिया प्लीज, और साफा मालाओं, और एक बार जोरदार तालियां बच्चे के लिए। भारत माता के, भारत माता के। ऋतिक नेहरिया से अभी मैं आपको मिलाऊंगा, पूरा संवाद कराएंगे आपको कि बच्चे ने कैसे मेहनत करी और कैसे ये मेड़ता का लाल बन गया, इतना सीधा बच्चा आप देख पा रहे हैं। और भी बच्चों से मैं मिलाऊंगा अभी आपको आज, तो इसको हम बताने चाहता हूँ, सो रहा था वहां से चोयल सर उठा के लाए कि चल रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट आ गया है। तो मैं ऋतिक से पूछना चाहूंगा कुछ चीजें कि ऋतिक, क्या कैसे रिजल्ट आया, कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब स्टार्टिंग से सोच रहे थे कि रिजल्ट कब आएगा भाई, तो अच्छा, तो आ गया, संतुष्ट हो या सपना सा तो नहीं लग रहा कहीं कि ये क्या हो गया, कहाँ सारे टीचर घेर के खड़े? चलो अच्छी बात है। तो ये बताओ कि इतना शानदार बायो में 100 out of 100 आए, जोरदार तालियां, कैसे, क्या क्या इंस्पिरेशन कैसे मिली? बायो में तो सर बीडीपी सर ने शुरुआत से हमको बता दिया था कि 100 out of 100 कैसे लाते हैं, फिर उन्होंने मोटिवेट भी किया और अच्छे से पढ़े, तो और फिजिक्स केमिस्ट्री में मात्र एक एक नंबर कहीं कटा होगा, अच्छा है चांद पे भी टीका रहता है, वैसे रहना चाहिए उस हिसाब से, बहुत ही शानदार रिजल्ट आया बेटा। तो बता दो एक बार सबको, कहाँ ट्यूशन वगैरह जाते थे? मैंने सुना ऐसा तो नहीं सर, कहीं भी ट्यूशन, बिना ट्यूशन जाए ऐसा रिजल्ट? और ये मरुधर की खास बात है, हम एडमिशन भी ऐसे ही लेते हैं कि सर अभिभावक को साफ कहते हैं कि ट्यूशन भेजना है तो फिर यहाँ एडमिशन मत कराओ। तो अभिभावकों को बहुत बहुत धन्यवाद भरोसा रखने के लिए, बहुत शानदार। तो बहुत से बच्चे, मैं बता देना चाहता हूँ, अभी जो ननियाल गए हुए थे वो सारे अभी जुड़ने वाले हमारे से थोड़ी देर में। और जैसा कि हम बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसी कड़ी में हमारी एक और टॉपर पूनम शर्मा हमारे साथ है, जोरदार तालियां। आज तो सब चलेगा, निश्चिंत रहो, खुशी का दिन है। बहुत जोरदार तालियां बच्ची के लिए, और एक एक कॉल पे हमारे बीच में बहुत जोरदार, बहुत बहुत खुश रहो बेटा, बहुत खुश रहो। और इतना शानदार रिजल्ट आपके 93% बने हैं, क्या कहना चाहोगे, कैसा लग रहा है सर? आपको भी सपना तो नहीं लग रहा है ये? ड्रीम सा ही लग रहा है सर, बट आई कांट बिलीव दिस, मैं अभी यहां पर खड़ी हूं। ओके, बहुत अच्छा फील हो रहा है। लेकिन निश्चिंत रहो, ये असल में रिजल्ट आ गया है, सरकार ने एकदम से ये सरप्राइज तो दिया था, बट अच्छी बात है। अब तो अब ये इसमें क्या क्या रहा, आपने कैसे तैयारी करी, एक बार सब जानना चाहेंगे, मेड़ता के इतने लोग लाइव है आपके साथ। मैं कहीं कहीं ट्यूशन नहीं गई, और अच्छा ये बच्ची भी ट्यूशन नहीं गई, एक बार जोरदार तालियां। बस
घनश्याम जी सर हमें बोलते थे कि ना एक्स्ट्रा क्लासेस है, आपको जो भी डाउट है वो पूछो, तो मैं और बाकी क्लास वाले 5 बजे तक तो यहाँ पे नॉर्मली रहते ही थे, और सर जो भी डाउट बोलते थे, हमें डाउट होता तो हम सर को पूछते थे और सर हाथों हाथ बताते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमने डे बोर्डिंग कॉन्सेप्ट साइंस में लॉन्च किया। जैसा कि निरंतर कहते हैं, बच्चा ट्यूशन नहीं जाएगा तो कोई किसी को तो डाउट पूछना पड़ेगा और बताना पड़ेगा, तो वो काम कैंपस में ही हो रहे थे। एक बार जोरदार तालियां सारे 11 बच्चों के लिए। बाकी बच्चे और भी लाइव जुड़ना चाह रहे थे, जादव सर क्या जुड़ पाएंगे वो कुछ, तो चोयल सर आप क्या सवाल पूछना चाहेंगे बच्ची से, पूछिए प्लीज। मैं सर सबसे पहले तो पूरी एमडीएस टीम को, पूरी ग्रुण टीम को बधाई देता हूं कि यह एक बहुत बड़ी बात है कि अपने 11 प्लस बच्चे हैं जो 90 प्लस आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सभी बच्चों ने यह भी बताया कि कहीं पे कोई कोचिंग नहीं की, पूरा और पूरा योगदान रहा तो वो रहा एमडीएस का, और ये सबसे बड़ी खुशी है कि बच्चा कहीं पे कोचिंग नहीं गया, और उसके बाद भी अपन ने ये लगा कि भाई यहाँ से इतना अच्छा रिजल्ट लेके आया है, तो मैं सबको बधाई देता हूँ और बहुत बहुत बधाई। बहुत शानदार, बहुत शानदार। मैं इसी कड़ी में श्याम जी सर, जो दिन रात की आपकी मेहनत रहती है, कैसे एकदम से आपके लिए तो सपना नहीं है ना गई, अभी मैं कह रहा था सुबह रिजल्ट कब आएगा बता दो सर। पूरा विश्वास था पूरी टीम के ऊपर, सभी बच्चों के ऊपर, इन दिन रात की मेहनत के ऊपर। मर्दो डिफेंस विद्यालय और जो ग्रुप है ये 365 दिन काम करता है सभी बच्चों के लिए, और मेहनत के लिए सभी अभिभावकों को मैं बताना चाहूंगा कि ये नो ट्यूशन स्कूल है। 11 12th के बच्चों में जो होड़सी लगी होती है कोचिंग के लिए, जहाँ पर यहाँ पर 24 घंटे दिन रात की मेहनत अभिभावकों के द्वारा, बच्चों के द्वारा, और हमारे जो लेक्चरर साथी हैं जादव सर, चोयल सर, और हमारे दिशा निर्देश में हमारे चंपाव सर, और हमारे युवा डायनेमिक चंद्रशेखर जी सर के दिशा निर्देश में जो टीम काम कर रही है, अपनी मेहनत कर रही है, वो मेहनत रंग लाई, और आज मेहरता क्षेत्र ही नहीं चारों क्षेत्र के अंदर हमने नाम रोशन किया है और परचम फैलाए हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को बधाई। बहुत जोरदार। मैं ऐड हो गए हैं, मैं बच्चे अपने को देख पा रहे हैं क्या, आप रहो इधर ही रहो, आपको भी दिखाएंगे। मैं मिलवाना चाहूंगा, कुछ बच्चे ननियाल चले गए थे कि रिजल्ट तो आ जाएगा, और गलती से बेटा ये तो हम कुछ नहीं कर सकते इसमें तो आपको सरकार से ही बात करनी पड़ेगी, लेकिन उन बच्चों से जरूर मिलाएंगे, डिजिटल जमाना है, बस डिजिटल साफा जरूर नहीं लगा पाएंगे अभी, यहीं से ही मान लेंगे अपन। दो सर इनका ऑडियो आई है, घनश्याम सर बच्चों को बहुत शुभकामनाएं भी। कैसे हो, कैसे हो साहब, आवाज आ रही बेटा मेरी? क्या कहते चेतन के लिए जोरदार तालियां, एक बार जोरदार तालियां बच्चे, इनके भी 93.6 और 93 है, सेकंड रैंक और थर्ड रैंकर्स हैं। अपने बारे में बता दो जल्दी से बेटा, कैसा लग रहा है आपको आज, क्या कहना चाहोगे स्कूल के बारे में, टीचर्स के बारे में? बहुत अच्छा लग रहा है, सारे टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहता हूं। बहुत जोरदार। आप तो बहुत बहुत बधाई बच्चे, बस अपने को आप नीट में बोर्डनर आया थी, बोर्डनर बेटा, ओके जरूर, भी मरुधर ग्रुप जल्दी ही गुरुन के माध्यम से रिजल्ट देगा अगले साल, और जब भी नीट का रिजल्ट आएगा आपको सितारे नजर आएंगे राजस्थान, और इस बार तो राष्ट्रीय स्तर पे मरुधर अपना परचम जरूर ले रहा है, ये मेरा वादा है आपसे। तो इसी कड़ी में मैं हम कभी चूकते नहीं है, हमारे अभिभावक को बुलाना चाहूंगा मैं, पूनम के माता पिता आए हैं यहाँ पे, अभी एक बार जरूर आप आइए और दो शब्द आप क्या क्या रहा मैं पूछूंगा, निश्चिंत रहिए आप, प्लीज बुलाइए, और खुशी खुशी में आप लोग मिठाई का डब्बा भूल गए हो, जल्दी ये बोलो मिठाई खिलाओ बच्चों को, मिठाई तो खिलाई नहीं। तो सर इनका ऑडियो आई है, माइक माइक सेकंड माइक इधर है, आओ बेटा आप माताजी इधर आ। सबसे पहले तो पिताजी को सर आज तो पूरा खाना पड़ेगा सर, बहुत ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आज तो अभी सपने में ऐसे इतना बड़ा थोड़ी खाया जाता, आप खाना पड़ेगा, मैं माता जी को भी जरूर खिलाना चाहूंगा, लीजिए लीजिए, और ऋतिक ऊपर आ जाओ बेटा, ऊपर आ जाओ,
बहुत मेहनत करी है, बड़ा मुंह खोलो जी। तो मैं पिताजी से पूछना चाहूंगा बच्चे के कि सर कैसा लग रहा है आपको, कैसा फील हो रहा है बच्चे ने इतना शानदार? बहुत बढ़िया है स्कूल, मेरे बच्चे और भी यहाँ पढ़ के गए हैं, मनीष है वो भी काम पे लग गया, और ये भी टैलेंटेड है, बहुत ही स्कूल बहुत बढ़िया है, हम बेफिक्र हैं। बहुत धन्यवाद आपके, ट्यूशन का कोई चिंता ना कोई बात, बच्ची के जो अध्यापक है वो भी बहुत उसको घर आके भी समझाते थे, और वे बाकी हम निश्चित है यहाँ भेजते हैं तो हमारे घर से भी ज्यादा अच्छा लगता है। बहुत धन्यवाद, आपका सहयोग रहा है सर जो हम इतना कर पाए। मैं जो मेन बच्चों, पिताजी को तो काम से बाहर रहना पड़ता है, घर पे बच्चों को माता जी ही ये मोटिवेट करती है, उनसे दो शब्द पूछेंगे। मैडम आप बताइए, निश्चिंत हो, ये मारवाड़ी में बता दो आप तो चलेगा, मुझसे मुझे मुझे बता दीजिए, कैमरा ऑफ कर दो एक बार। कैसा मैडम, कैसा लग रहा है बच्चे? बच्चे बहुत अच्छा लग रहा है, और जी धन्यवाद, धन्य। ऐसा नहीं है अभी ऐसे स्कूल की बड़ाई नहीं करवानी हमें, मन में जो जो बोल सकते हो आप। हाँ ये बिल्कुल 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 जानते हैं हम तो, यही मैं और भी बच्चे हैं जिनसे सुबह आपको मिलवाएंगे, अभी तो बहुत ही लेट और अचानक से आया, तो हमारे आधे टीचर्स भी अभी तो खाना खा के सो चुके थे, बट आ गए, हम तो बिल्कुल एक्टिव रहते हैं, सुपर एक्टिव 365 दिन। तो 11 बच्चे 90 क्रॉस कर गए हैं, और पूरी लिस्ट हम सुबह डालेंगे इन 11 बच्चों की भी, और बाकी 80 से ऊपर में जो भरमार रिजल्ट है पूरा उसकी भी। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सब जुड़े, पूरी टीम को मरुधर की, और ऐसे ही निरंतर हम साइंस को आगे बढ़ाते रहेंगे, सारे सब्जेक्ट्स को आगे बढ़ाते रहेंगे, और जो 35,000 बच्चे 10th में भी हमारे साथ YouTube पे जुड़े थे उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, पूरे सबको दिल तहे दिल से धन्यवाद जो भी हमारे को सपोर्ट करते हैं, और जय हिंद जय भारत, धन्यवाद, शुभ रात्रि, भारत माता की जय।